नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ को देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ लता। और जिस तरीके से विधानसभा जो उपचुनाव हुआ है बागेश्वर में, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव सर पर, ऐसे में ये जो बागेश्वर का उपचुनाव उत्तराखंड के में हुआ है, इसमें दरअसल चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, वो लगातार ये कोशिश कर रही थी ये आजमाने की कि जो जनता है वो आखिर किसके साथ है। हालांकि जिस तरीके से जो उपचुनाव हुआ, आपको बता दूँ कि उपचुनाव में जो है पार्वती दास ने जीत हासिल की है और 2810 मतों से जो है उन्होंने जीत दर्ज की है। कांग्रेस के बसंत कुमार को उन्होंने हराया है। हालांकि जो टक्कर है वो पांच पार्टियों में थी, जो पांच पार्टियां हैं बीजेपी, कांग्रेस और अन्य यूकेडी के अलावा जो अन्य पार्टियां हैं वो दरअसल मैदान में थी। लेकिन जिस तरीके से जो कांटे की टक्कर थी वो साफ तौर पर हम लगातार देख रहे थे कि वो बीजेपी और कांग्रेस पर ही थी। और ऐसे में ये कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई थी कि बसंत कुमार को जो है चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि अब ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि दल बदलू नेता होने के चलते जो है जनता ने उन्हें प्यार नहीं दिया, क्योंकि आपको बताऊं कि अभी जो हाल ही में 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान बसंत कुमार ने आम आदमी पार्टी की सीट से चुनाव लड़ा था। उसके पहले हालांकि वो निर्दलीय चुनाव वहाँ पर लड़ते रहे और यही दरअसल शायद कहीं ना कहीं जो है लूज पॉइंट रहा कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि दल बदलू नेता के चेहरे में जो है बसंत कुमार की जो छवि है वो अभी क्रिएट हुई है। और जिस तरीके से अगर हम खासतौर पर बीजेपी की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी हालांकि ओवर कॉन्फिडेंस में थी, क्योंकि पिछले दो दशक की अगर बात की जाए तो बागेश्वर में जो है रामदास जो है वो चार बार से विधायक रह चुके थे। ऐसे में हालांकि अचानक से उनकी तबीयत खराब होने के चलते निधन हो गया था, जिसके बाद जो है ये दोबारा से उपचुनाव हुआ और ऐसे में जो है बीजेपी की तरफ से उनकी धर्म पत्नी को यानी कि पार्वती दास को मैदान में उतारा गया। हालांकि सभी ये बातें कर रहे थे कि सिंपति वोट कमाने की कोशिश जो बीजेपी की तरफ से की जा रही है और क्या ये जो सहानुभूति कार्ड जो बीजेपी ने खेला है क्या ये काम आ पाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो नतीजे आज जो आए वो साफ तौर पर ये बताते हैं कि बिल्कुल सहानुभूति कार्ड कहा जाए या फिर जो रामदास कि जो मेहनत ज़मीन पर थी, क्योंकि जिस तरीके से पिछले चार बार से विधायक हो रहे हैं, ऐसे में चार बार विधायक होना जाहिर तौर पर अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और दरअसल यही दरअसल बड़ी वजह थी कि जो लोकप्रिय थी रामदास की, उसके चलते जो है साफ तौर पर पार्वती दास ने बड़ी जीत हासिल की, जिसमें 2000 के करीब जो है वोट उन्हें मिले। आपको बताते चलूँ कि इस पूरे जो मतगणना जो ये जो मतदान हुआ था इसमें 55% लोगों ने जो है मतदान में अपना जो है मतदान दिया, अपने मतदान का इस्तेमाल किया। इसके अलावा ये भी आपको बताऊं कि दरअसल पिछले चुनाव जो है वो 2022 में हुआ था, तो जाहिर तौर पर पिछले चुनाव में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर थी। कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर तो थी इसमें, लेकिन वैसे में ये जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट हो गई कि जो आगामी लोकसभा चुनाव है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में होने वाला है। क्योंकि हालांकि अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें 2019 की, तो उसमें पाँचों की पाँचों सीटें जो है बीजेपी के खेमे में, और अब जिस तरीके से बागेश्वर जो बाईपुर इलेक्शन था इसमें इसे दरअसल लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा था। और ऐसे में अब जो तस्वीर साफ हुई है ये भले ही 2000 वोटों का अंतर ही क्यों ना, लेकिन बताता है कि कहीं ना कहीं जो आगामी लोकसभा चुनाव है कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में होगा। लेकिन ऐसे में आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है कि जो बागेश्वर चुनाव बाईपुर हुआ किसकी गलती की वजह से कांग्रेस ने जो है ये चुनाव हारा है, और जो आगामी चुनाव होने वाले हैं उसका इसमें क्या इसका उसमें उसको चुनाव में इन परिणामों की क्या किस तरीके से फर्क पड़ेगा, क्या परिणाम होंगे, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।